बच्चा खराब होगा ना फिर, इतना वजन है इसका, जितना पड़ेगा आराम से उठाओ। डॉक्टर को ना बताया हुआ है कि मेरे पास हेड आना पड़ा VIP। वैसे मुझे धीरे धीरे इसमें छोड़ने का नहीं कर रहा था सिर्फ, मैं तो कहता हूँ उसमें छोड़ दो। नहीं अभी नहीं, बाद में छोड़ेंगे। इसमें से निकालना मुसीबत ना बन जाए, इसमें जंगल इतना लगा हुआ है। क्यों पूछता है? हाँ वही शुक्रिया। इब्राहिम को पीछे लेके जाओ, बोलो तो बड़ा माल है। तो भले एक हाथ ऊपर, एक हाथ ऊपर रख ले, एक हाथ नीचे करके ऐसे मिला के चलो ना फिर। अंदर आ जा बेटा, थोड़ा आगे जाए, जा उधर जा, थोड़ा उधर जा, थोड़ा उधर जा, गुल्लू की तरफ। हाँ बहुत कम हो गया ना। वो सारा कुल में उधर पड़ा, सब अंदर बैठा मान, सब झाड़ में। गाय रहे हो तो उसमें घुसेगा ना, ठंडा कुछ मन ठंडक मिलेगी। ऊपर एक तैरती है, ऊपर आ गई वो पूरी झाड़ी में ऊपर फंस गई है। मिक्स है और सारा चीज, हाँ छोटा बड़ा सब दिख रहा है। थोड़ा रोक लो, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, परेशान है। हाँ नहीं मुझे आज भैया एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो रही थी वैसे, दो तीन दफ़ा जो रुकी है ना, बिल्कुल काफ़ी डिस्टर्ब है बेचारे। आराम से पानी नहीं आते, काफ़ी नीचे जाता
कासिम, मैं इब्राहिम के साथ जा रहा हूँ उधर पीछे, देखता हूँ बच्चे की कंडीशन क्या है, सही है? अगर आसरा हुआ तो मैं इधर फ़ोन करूँगा, तुम लोग फिर दूसरा जाल सही से लगाना फिर, ठीक है? एक पाँव आगे रखे बढ़ जाए, एक पाँव आगे रखे निकल जाए, अच्छा वो निकल गई होंगी ना, वो कुछ यहाँ पे रहती है ना, वो ऊपर आ रही है, या मतलब वो खुश हो जाती है ना तो मछलियाँ जब वो ऊपर नीचे आ जाती है, मारती है, बाकी तो वो पता नहीं कहाँ निकल गई होंगी। ये देखें, ये जो बड़ा दाना है गेहूँ का, ये ऊपर ये दाने हैं जो एकदम से शूट करेंगे आराम से, आराम से, आराम से। हाँ, अच्छा पाँच इंच तो होंगे, हाँ 5 इंच 6 इंच, लेकिन वो बड़ा है यार, तो गेहूँ जिनसे दाना है।